हेलो गाइस, देख सकते हो जोरदार बारिश चल रही है। इतनी जोरदार की आगे बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो भी गाड़ी चला रहे, क्या करें। पार्टी का कॉल आया, माल अर्जेंट है तो पहुंचाना जरूरी है। ये प्रकाश भाई बैठा है, पता नहीं फोन में क्या कर रहा है। चल रहे हैं धीरे धीरे, अभी शाम तक पहुंच जाएंगे बेलारी, तो कल हमारा गाड़ी खाली हो जाएगा। देखते हैं बारिश कब तक चलता है, फिर मिलते हैं आगे। तो भाई कोई भी गाड़ी लेके आए यहाँ पे, तो बीजापुर की तरफ तो गाड़ी में रास्ता तिरपाल करके लेके आए, ताकि यहाँ पे इधर बारिश चल रहा है। हम अभी जलकी बॉर्डर क्रॉस करके बीजापुर की तरफ चल रहे हैं, हमारा गाड़ी बेलारी का लोड है। सभी ध्यान दें कि जो अपने बेलारी बेंगलोर की तरफ आने वाला भाई है, वो अपने गुजरात से आने वाला है, तो गुजरात से रस्सा तिरपाल करके लेके आवे। और जो राजस्थान से आने वाला है या अन्य जगह से आने वाला है, वो इधर कर्नाटक की तरफ आए तो रस्सा तिरपाल करके लेके आए, ताकि महाराष्ट्र के अंदर बारिश चल रहा है, महाराष्ट्र और अपने कर्नाटक के अंदर, और काफ़ी तेज बारिश है, तो कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए हमने सूचना देने की सोची। तो हम आप तक ये सूचना पहुँचा रहे हैं, कृपया जो भी भाई गाड़ी लेकर इधर आए, रस्सा तिरपाल कम्प्लीट करके लेके आवे। उसको हम आ गए पंप पे, तो यहाँ से डीजल अपन डलवाते हैं, टंकी फुल होगा। अभी अपने पंप पे बहुत जाम लग रहा है, बहुत गाड़ियाँ खड़ी है। पहले इनमें डीजल डालेंगे, फिर हमारा नंबर आएगा, फिर हम डीजल डलवा के निकलेंगे। ये प्रकाश भाई सिगरेट पी रहा है, नो स्मोकिंग, कैंसर होता है स्मोकिंग से। यार मैं भी करता हूँ स्मोकिंग, तो देखते हैं पंप पे कितना टाइम लगता है, मिलते हैं वापस। अभी तक ये गाड़ी नहीं हटा है, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। वो भैया डीजल भरवा रहे हैं। ये भी गाड़ी अपने राजस्थान का है, भिलवाड़ा का RJ06GD3621 प्लेटफार्म है, 40 फुट्टी। ये अपने गाड़ियाँ सब तमिलनाडु का है, हम अभी है कर्नाटक में, पंप पूरा ब्लॉक है अभी, तो देखते कितना टाइम लगता है अपने को डीजल भरवाने में। रिलायंस का पंप है, तो इस पर बहुत जाम रहता है इधर का, क्योंकि रिलायंस में डीजल सही मिलता है, गाड़ी भी एवरेज रहता है। तो भाई अपना नंबर आ चुका है, ये गाड़ी निकलने वाली है अभी, और ये अपनी गाड़ी लग रही है पंप पे। ये और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो थोड़ा दिक्कत है। ये गाड़ी निकल गई है और अपना नंबर आ चुका है। आगे तम थोड़ा छोटा है यार पंप पे, तो क्या गाड़ियाँ थोड़ा मुश्किल से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे काम चालू है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है। इस पे ये अपना सन्नी भाई उदास बैठा हुआ है, क्योंकि अभी डीजल नहीं भराया इसने। क्या गाड़ी ले रहा भाई, ये अपनी गाड़ी पॉइंट पर लग चुकी है बिल्कुल, ये देख सकते हो आप। अब भराते हैं अपन डीजल। तो दोस्तों लग गया पंप पे गाड़ी, डीजल डाल रहे हैं, देखते हैं कितना आता है, टंकी फुल होगा यहाँ से। ये अपना गाड़ी तिरपाल कर रखा है, बारिश आ रहा है। अपने रिलायंस का पंप है, परमानेंट इससे ही डीजल लेते हैं। ये अपना प्रकाश भाई, पीछे और गाड़ी आ गया, देखते हैं कितना टाइम लगता है। जय श्री राम। टंकी फुल होने वाला है, दो सौ के करीब डीजल आएगा, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। Bluetooth mode connected. हम निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से डीजल भरवा के, अब
जाते हैं वीर तेजा होटल पे, खाना वाना खाएंगे यार, भूख लग रही है मेरे को बहुत लग रही है। 3 बज गई आज, 4 बजे से बज गई, तो हमारी की गलती है। 12 बजे उठे कोई क्यों भी उठे कहा वीर तेजा, मेरे बाहर उठा था यार गुजरात से, गुजराती मुसलमान है कौन बनो। ओके गाइस चलते हैं होटल पे, फिर खाना वाना खाते हैं, बाय। फाइनली होटल पे पहुंच गए वीर तेजा, अपने राजस्थान का होटल है भिलवाड़ा का। खाते खाना और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर, ऐसे अपना प्यार बनाए रखे। ये अपने भिलवाड़ा की गाड़ियां खड़ी है, ये होटल रहा, ये अपने होटल है देख सकते हो, मिलते हैं अगले व्लॉग में।